हमने बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर लिया, हमने पैडिंग डिस्कस कर लिया, हमने मार्जिन डिस्कस कर लिया, हमने बॉर्डर डिस्कस कर लिया, हमने उसका एग्जांपल देख रखा है कैसे कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियोज़ को, कैसे आपको रेफ़र करना है, किस कौन से वीडियो को कैसे पढ़ना है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा कोड कोडिंग पार्ट देखेंगे कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स को, एंड इस टाइप्स के ब्लॉक्स। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, ब्लॉक लेवल मैंने बना रखा है, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो आज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आज मैं इसे आपको कोड करके बताता हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सी जी और जावा स्क्रिप्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं न्यूटन स्कूल के आईडीई को यूज़ कर सकता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या करता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाता है। आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके लॉन्चर प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। यहाँ पे जीरो अपफ्रंट फी, आपको कोई भी फी नहीं देनी, आपको जब तक एक लिमिट अमाउंट अच्छे से अमाउंट में आपको जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाती तब तक आपको एक भी पैसे नहीं देना है। अब जब प्लेस हो जाओगे तब आपको यहाँ पे पैसे देने होते हैं। आप यहाँ पे www.newtonschools.co/launchpad में आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, और लाइव क्लास असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मेंटरिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो अपने वीडियोज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैराग्राफ पैराग्राफ क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं एंड इसे हमने नेमिंग कर दिया है ब्लॉक। ठीक है, एंड उसके बाद पैराग्राफ क्लास इज इक्वल्स टू सेकेंड लिख देते हैं, एंड सेकेंड के बाद फिर हमने ब्लॉक लिख रखा है यहाँ पे, एंड पैराग्राफ पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, एंड यहाँ पे स्पैन यूज़ कर रहा हूँ। स्पैन स्पैन के पास इनलाइन, एंड स्पैन के पास फिर यहाँ पे स्पैन लिख रखा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इनलाइन यूज़ कर रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आउटपुट में मुझे बोला ब्लॉक ब्लॉक इनलाइन इनलाइन शो कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है, इसमें कुछ सी एस एस प्रॉपर्टीज लगानी है, तो सी एस एस प्रॉपर्टीज में यहाँ से लगा लेता हूँ। सी एस एस प्रॉपर्टीज, सी एस एस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पैराग्राफ में लगाता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, लाइट ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर में हमने हम बॉर्डर में जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर में हम लोग कलर के उसके यूनिट के साथ उसके साइज के साथ कलर प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, एंड जिस कलर के प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। सॉलिड हमने यूज़ किया, ब्लैक यूज़ किया, मैंने जैसे बताया था आपको एक वीडियो में, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाँ मैंने किस वीडियो में बताया था, यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। यहाँ पे मैंने बताया था कि बॉर्डर प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो विद विदिथ और लेंथ के साथ, इसके साइज प्रॉपर्टी के साथ, एंड इसके स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ, एंड कलर प्रॉपर्टी के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसी कलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एंड ब्लैक, एंड फिर उसके बाद अगर मुझे स्पैन में कुछ, आप देख सकते हो यहाँ पे सी एस एस मेरा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मुझे अगर स्पैन में कोई कुछ करनी है तो स्पैन में मुझे बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड येलो ले देते हैं, ले लेते हैं सॉरी, बैकग्राउंड येलो ले लिया, एंड फिर बैकग्राउंड के बाद फिर बॉर्डर मैंने दे दिया है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये सॉलिड ब्लैक दे दिया। ठीक है, बॉर्डर को मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर अगर मुझे और थोड़ा सा यूज़ करना हो इसमें कुछ प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसी में कुछ ऐसा हो फर्स्ट एंड सेकेंड को लिखना हो, जैसे मैंने पैराग्राफ क्लास को क्लास का नेमिंग रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो मुझे सिर्फ अगर पर्सनली सिर्फ फर्स्ट पे यूज़ करना हो तो मैं फर्स्ट को डॉट फर्स्ट लिख के, ये डॉट फर्स्ट यानी क्लास पे हम वो सी एस एस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मार्जिन लिख सकते हैं, मार्जिन मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 0, ठीक है। इससे कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि मैंने 0 दे रखा है। एंड फिर अगर मुझे सेकेंड में यूज़ करना हो तो डॉट सेकेंड सेकेंड, एंड फिर यहाँ पर डॉट सेकेंड मार्जिन मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 0, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं चेंजेस क्या हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आपको जो पहले मैंने यूज़ किया हुआ था यहाँ पे खुद से पहले ये डिफॉल्ट लिया हुआ था, कुछ गैप बीच में, दोनों के बीच में गैप था, मार्जिन एंड पैडिंग्स का गैप था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने कोई गैप नहीं रख रखा है। अगर मैं इसे सेकंड में कुछ मार्जिन टॉप देता हूँ 0, तो ये फिर ये गैप हट जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं एक और बताना चाहूँ, अगर सी एस एस में इसके यूज़ करता हूँ बॉर्डर एंड पैडिंग, इसे इसे दे देता हूँ, इसे पैडिंग दे देता हूँ, इसे मैं पैडिंग देता हूँ, तो पैडिंग लेफ्ट में सिर्फ पैडिंग देना है, पैडिंग देना है एंड 20 पिक्सल देना है। तो इसे मैं अगर 20 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ तो ये भी कुछ चेंज कर लेगा खुद में। इसे ये देखिए यहाँ पे ये पैडिंग चेंज कर लिया। एंड फिर इस पैडिंग को, इस स्पैन को मैं भी मैं कुछ मार्जिन टॉप दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम मैंने ले लिया 10 पिक्सल, तो ये मार्जिन 10 पिक्सल ये बॉटम का यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये 10 पिक्सल बॉटम का ले लिया। बॉटम का क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बॉटम में कुछ रखा नहीं है तो इसलिए पता नहीं चला, टॉप का रखता हूँ, ये टॉप का ले लेगा। तो ये मार्जिन टॉप और बॉटम इस टाइप से यूज़ करता है, ठीक है। एंड फिर अगर मुझे, अगर इस दोनों के बीच में अगर यहाँ पे 20 पिक्सल अगर देना हो, मैं 10 पिक्सल दिया हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल दे के देखता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, और इसे टॉप ना लिख के इसे सिर्फ मार्जिन देता हूँ, तो क्या होता है, चेंजेस होते हैं। हाँ चेंजेस तो हो गए, पैडिंग पैडिंग ले लिया 20 पिक्सल एंड मार्जिन ले लिया 20 पिक्सल। तो इस टाइप से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड करने के टाइम पे। हमने यहाँ पे क्या क्या रखा है, यहाँ पे हमने ब्लॉक में देखा कि ब्लॉक में अगर मैं अगर सिर्फ इसे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है कुछ मार्जिन कुछ पैडिंग, अगर मुझे वो बाय डिफॉल्ट यूज़ नहीं करना है तो इसके क्लास के अनुसार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम 0 दे दिया, इसे 10 भी दे सकते हैं, मार्जिन टॉप को 10 दे सकते हैं, तो ये वैल्यू फिर से यूज़ कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट के अनुसार भी कुछ कुछ वैल्यूज़ होते हैं, और अगर हम लोग खुद से भी चाहें तो वो वैल्यू दे सकते हैं। अगर मुझे ये दोनों इनलाइन एंड इनलाइन को नीचे करना है तो क्या करेंगे, हम लोग इसे करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सिंपल, हम लोग स्पैन को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, जो भी इसके आसपास है वहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज़ करेगा और अपने आप को थोड़ा सा नीचे यूज़ कर देगा। तो इसमें तो इतना ही समझना था, मैंने जो भी बॉर्डर एंड पैडिंग के बारे में जो भी बताया था थ्योरी में उतने पार्ट थे, उसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके सिंपल लॉग इन कर लेना, न्यूटन के आईडी पे भी आप लोग वर्क कर सकते हो, और यहाँ पे सिंपल जाके यूज़ कर सकते हो इसके आईडी पे, ठीक है। एंड अगर इसके ये तो हो गया था, मैंने ये सब डिस्कस कर लिया था। एंड उसके बाद एक एक चीज़ होता है मार्जिन एंड निगेटिव वैल्यू। मार्जिन एंड निगेटिव वैल्यू को समझना है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसे कोई भी वैल्यू ना दूँ, उसे मार्जिन या पैडिंग ना दूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे का ग्रीन को थोड़ा सा ये भूल जाना है, ये ग्रीन नीचे से थोड़ा सा दिख रहा है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ये कुछ नहीं है, समझिए कि नीचे पूरा ब्लू है, ठीक है, ये पूरा ब्लू ही है, ठीक है। एंड अगर यूज निगेटिव मार्जिन वैल्यू टू मूव एलिमेंट आउटसाइड द स्टैकिंग पोजिशन, तो अगर मैं वैल्यू निगेटिव दूंगा ना, तो ये जो वैल्यू होगा ना मार्जिन -20 पिक्सल, तो ये जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू के अनुसार ये माइनस ले लेगा, इस यहाँ से ये वैल्यू -20 अपने आप को लेफ्ट कर लेगा या राइट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट 20 पिक्सल है, 0 0 -20 पिक्सल है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। मार्जिन ऑटो क्या होता है, मार्जिन ऑटो में जैसे आप एग्जांपल डॉट एग्जांपल विद इट 1000 पिक्सल दे दिए, मार्जिन 0 ऑटो, ये खुद से बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। एंड टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की तरह यूज करता है। यूज निगेटिव मार्जिन वैल्यू टू मूव एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द स्टैकिंग पोजिशन,
ठीक है, निगेटिव वैल्यू जो होते हैं वो आउटसाइड द स्टैगिंग पोजिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कोड करके दिखाऊं, तो मैं ये मार्जिन ऑटो को एक कोड करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैं वीएस कोड को खोल रहा हूँ। वीएस कोड में मैंने बता रखा है कैसे अगर कोड करना है, तो सिंपल वही है, एचटीएमएल सीएसएस में मैंने बता दिया था, सीएसएस को कैसे यूज़ करना है वो बता दिया था। अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो में ऊपर दे दूंगा लिंक पे, वहाँ पे जाके दे सकते हो। ठीक है, कैसे इनलाइन सीएसएस का वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। इनलाइन सीएसएस मैंने बताया था। अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन देता हूँ, सेक्शन, थोड़ा सा वो मेरा मूव कर रहा है लैपटॉप, ठीक है, मैं उसको रहा हूँ, तो एंड पैराग्राफ, यहाँ पे इस आईडी पे LORM4039 वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आपको खुद से ही टाइप करना होगा, या खुद से भी आप इस चीज़ को बाहर से उठा के कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन यूज़ कर लिया, एंड इस सेक्शन पे मैंने अगर मार्जिन, मुझे अगर ये थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का तो पता है ना, लाइक शिफ्ट प्लस स्लैश। ठीक है, एंड अगर इस सीएसएस में मैं इसे वैल्यू देता हूँ सेक्शन को, सेक्शन को बैकग्राउंड से सिर्फ बैकग्राउंड एंड लाइट ब्लू ग्रे देता हूँ, तो ये क्या करेगा ना, खुद से बाय डिफॉल्ट देखिए वैल्यू ले लिया है, लाइट ब्लू से नहीं पता चल रहा, कोई और वैल्यू लेता हूँ, सी ग्रीन से पता चलेगा। ये देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन एंड पैडिंग्स लिया हुआ है चारों तरफ। ठीक है, तो इसी का वैल्यू, यही मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो मार्जिन्स ऑटो जो होते हैं वो खुद से बाय डिफॉल्ट यूज़ हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, जैसे अगर कोई ब्लॉक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो टॉप ऑफ ईच अदर पे वर्क करेगा, लेकिन अगर मुझे स्पेशली उसे मूव करना है ना, तो -20 पिक्सल से भी मूव कर सकते हैं, लाइक उसे उस नीचे वाले पोजिशन को या ऊपर वाले पोजिशन को रिमूव कर सकते हैं। मार्जिन ऑटो में हम लोग को खुद से पहले बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, अगर लेकिन हमें अगर खुद से यूज़ करना हो तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, लाइक मार्जिन जीरो ऑटो। ठीक है, मार्जिन जीरो ऑटो तो वही वर्क करेगा, हम लोग कुछ उसे मार्जिन दे सकते हैं, लाइक अगर मुझे यहाँ पे इसे मार्जिन देना है, स्पेशली मुझे मार्जिन देना है, तो मैं 200 पिक्सल मार्जिन दे दूँगा, ये खुद से मार्जिन ले लेगा। देखिए मार्जिन ले लिया, बीच में ले लिया, 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल। ये भी मैंने बताया कि अगर एक वैल्यू लिखेंगे तो एक वैल्यू में वो चार का वैल्यू कैसे लेता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का। ठीक है, अगर फिर मैं इसे सिर्फ मार्जिन टॉप लिखूंगा तो ये कैसे यूज़ करेगा, तो मार्जिन टॉप में सिर्फ ये ले लिया, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट में कोई वैल्यू नहीं है, तो इस टाइप से ये यूज़ करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जावास्क्रिप्ट को पर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तो तब तक के लिए।